स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो तो आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप इसको किस तरीके से, अगर आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर है तो आप कैसे इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, और मात्र 7 दिन के अंदर आप जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हो अपने नगर निगम या फिर आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पर नीचे आए हो तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है यार, उसे दबा दीजिए, क्योंकि और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो आपके सामने मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। चलो तो जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा पहचान। जैसे आप पहचान डालोगे तो pahchan.raj.nice.in के नाम से साइट है, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आम आवेदन प्रपत्र भरें, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो जन्म प्रमाण पत्र के लिए तो आम जन आवेदन प्रपत्र भरे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे देखो बता रहा है ये विकल्प नागरिकों को पंजीकरण है तो आवेदन प्रपत्र भरकर प्रिंट प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया गया है, इसलिए आप इसे वो कर सकते हो। आवेदन के दौरान प्राप्त पासवर्ड को सुरक्षित रखें और 15 दिवस में आप अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर लिया जाएगा। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो 15 दिन के अंदर आप जो नजदीकी कार्यालय है अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या नगर निगम वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है आवेदन, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना तो इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको पहचान वाली साइट पे जाना है और आमजन आवेदन पत्र पर क्लिक करना है, और वहाँ पे क्लिक करने पे ये पेज ओपन हो जाता है। तो इसको पूरा भर के, इसमें नॉर्मल डिटेल है तो आप उसको पूरा भर के यहाँ पे ये कैप्चा डाल के आपको इनरोल कर देना है। जैसे आप इनरोल कर देते हो तो आपके सामने एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हो जाती है। वो एप्लीकेशन आईडी के द्वारा आप अपने आवेदन पत्र को यहाँ से, अगर आपके द्वारा ये भरा गया पत्र को सुधार करना है तो आपको यहाँ पे पुराने आवेदन में संशोधन है तो यहाँ पे रेफरल नंबर प्राप्त हो जाता है, उसको यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के आप उसको पासवर्ड, दोस्तों जैसे आप इसको इनरोल करोगे तो वो पासवर्ड मांग लेगा, तो आपको पासवर्ड बनाने वो आपको ध्यान में रखने हैं। आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जैसे आपको बन जाता है 15 दिन के अंदर तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों अपना वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपनी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।